मूवी की शुरुआत एक एडी नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। ये आदमी बहुत ही सुस्त था और वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बुक लिखना चाहता था और वो कभी भी इस काम में कामयाब नहीं हुआ। वो हर रोज कुछ ना कुछ लिखता और उसको डिलीट कर देता। एडी अपना सारा टाइम अपने अपार्टमेंट में ही बैठकर वेस्ट कर दिया करता था। यहाँ तक कि वो अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए पैसे अपने दोस्तों से लिया करता था और इसी वजह से अब एडी की गर्लफ्रेंड लिंडा भी उसे छोड़ देना चाहती थी क्योंकि वो एडी की सुस्ती से तंग आ चुकी थी। उसको लगता था कि एडी ने ना ही आज तक जिंदगी में कुछ किया है और ना ही वो कुछ कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडी अपनी किस्मत को कोसते हुए रोड पर घूम रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि वो टॉम होता है और टॉम उसकी एक्स वाइफ का भाई होता है और ये दोनों तकरीबन 9 सालों के बाद मिले थे। पहले टॉम एक ड्रग डीलर था लेकिन अब वो किसी फार्मा कंपनी में काम कर रहा था। एडी उससे अपनी एक्स वाइफ मेलिसा के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि वो अब वो किसी दूसरे शहर में अच्छी जिंदगी गुजार रही है और उसके बच्चे भी हो गए हैं। अब टॉम एडी की हालत देखकर उसे एक ड्रग ऑफर करता है और ये ड्रग अभी तक टेस्टिंग में होती है और मार्केट में नहीं आई होती। टॉम बताता है कि हम लोग अपना दिमाग सिर्फ 10% तक ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस ड्रग की मदद से हम अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एडी उससे ये ड्रग लेने के लिए मना करता है लेकिन तभी टॉम को किसी का फोन आता है और वो एडी को वो ड्रग और अपना पता देकर वहां से चला जाता है। अब एडी उस ड्रग के बारे में सोचते हुए अपने घर तक आ जाता है और वो फिर उसे लेने का डिसाइड कर ही लेता है और उसे खा लेता है। और अब वो वहीं अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए उसे उसकी मकान मालिक मिलती है जो इसे किराया ना देने पर काफी बातें सुना रही होती है। अब तभी उस ड्रग का असर होना शुरू होता है और एडी को हर चीज अलग से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वो उन तमाम चीजों पर गौर कर सकता है जिन पर वो नॉर्मल हाल में बिल्कुल नहीं करता। तभी एडी उसके हाथों में एक किताब देखता है। किताब देखने के बाद एडी उससे कहता है कि आप लॉ स्कूल से हैं। दरअसल आज तक उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी किताबें पढ़ी थीं, वो सब की सब उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, क्योंकि ड्रग की वजह से उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया है। वो अपने मकान मालिक को एक किताब रिकमेंड करता है जो उसी के फील्ड से जुड़ी हुई होती है, जिससे वो लड़की इम्प्रेस हो जाती है और उसे कुछ नहीं कहती। उस लड़की के जाने के बाद एडी के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ चुकी थी जो कि वो अपनी बुक में लिख सकता था। एडी को अपना घर बहुत गंदा लग रहा था। वो उस ड्रग को लेने की वजह से खुद को बहुत एक्टिव फील कर रहा था। अब वो अपने रूम में हर चीज को साफ करता है और अच्छे से सेट कर देता है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप को ओपन करता है और अपनी बुक लिखना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में नॉलेज का अब सागर जो घूम रहा है। बचपन से लेकर अब तक उसने जो कुछ भी देखा, जो भी महसूस किया होता है, वो सब उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो लगातार उसे लिखता ही रहता है। और एक ही रात में वो अपनी बुक के 90 पेजेस लिख देता है, जो कि एक अनोखी बात है। और ये सब कुछ उस ड्रग की वजह से हुआ होता है। अगले दिन वो अपनी लिखी किताब को पब्लिशर के पास ले जाता है और किताब को वहां छोड़कर घर आ जाता है। कुछ देर बाद उसे पब्लिशर का कॉल आता है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा लिखा होता है। अब एडी के दिमाग में जो ड्रग का असर होता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो टॉम के पास और भी ड्रग लेने के लिए जाता है, जहां टॉम उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें और ड्रग दे दूंगा लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। वो एडी को एक काम बताता है और एडी उस काम को कर देता है। और जब वो वापस टॉम के अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि किसी ने टॉम को मार दिया होता है। एडी पुलिस को यहाँ बुलाने से पहले ड्रग ढूंढ लेता है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देता है। पुलिस एडी से कहती है कि तुम हमारे कॉन्टेक्ट में रहना। इसके बाद एडी अपने घर आता है और वो एक बार फिर से वही ड्रग लेता है, जिससे उसका दिमाग एक बार फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके पास बहुत सारा नॉलेज आ गया होता है और अब वो नई से नई चीजें सीखने लगता है। और अब वो बिना शर्माए हर किसी से मिल रहा था, यानी वो सोशल भी हो चुका था। अब सभी लोग उसकी नॉलेज से बहुत इंप्रेस हो चुके थे। जहां एडी को पहले लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वहीं इस ड्रग को लेने के बाद उसे लग रहा था कि वो सब कुछ कर सकता है। और इसलिए एडी अब स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखता है। उसने टॉम के घर से जो पैसे लिए थे उसे वो शेयर मार्केट में लगाता है, जिससे उसे बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन एडी अब और भी बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए वो एक आदमी से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को भी वो अपनी कंपनी में लगाता है, जिससे उसके पैसे डबल हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है। लिंडा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि एडी एक बहुत बड़ा और कामयाब आदमी बने, जो कि अब वो बन चुका है। लिंडा एक बार फिर से उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहती है, जिससे एडी को बहुत खुशी होती है। तभी एडी देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। एडी लंच के बाद भी इधर उधर देख रहा था कि शायद वो आदमी दोबारा नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन उसकी मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से होती है।
एडी उससे मिलने के लिए जाता है। वो आदमी अपनी कंपनी की सभी फाइल्स दिखाता है और कहता है कि मुझे मेरी कंपनी के बारे में कुछ सजेस्ट करो। एडी उसकी कंपनी की सभी फाइल्स को पढ़ने के बाद उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और अब एडी उसकी गाड़ी से उतर जाता है। और जब वो चल रहा होता है तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और अगले पल वो देखता है कि वो किसी और जगह है। इसी तरह से वो अपने आप को अलग अलग जगहों पर देखता है। एडी को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी बहुत सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडी के दिमाग में बहुत सारे लड़ाई के दृश्य आना शुरू हो जाते हैं जिससे वो उन सभी लोगों को बहुत मारता है। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है एडी अपने घर पर उठता है। आज उसकी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग होती है, लेकिन वो ड्रग नहीं लेना चाहता क्योंकि कल जो उसके साथ हुआ था वो नहीं चाहता कि एक बार फिर से उसके साथ हो। वो बगैर ड्रग लिए अब फाइल्स को रीड करता है, लेकिन इस वक्त उसे फाइल्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो ड्रग भी नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो अपने पार्टनर को कॉल करके कहता है कि हमें उस बिजनेसमैन के साथ में रखी हुई मीटिंग को कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन उसका पार्टनर उसे बताता है कि अगर हमने ये मीटिंग कैंसिल कर दी तो वो बिजनेसमैन अपना मन बदल सकता है हमारे साथ काम करने के लिए, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है अपने आप को साबित करने का। और इसी वजह से एडी बिना ड्रग लिए मीटिंग में चला जाता है और वो एक्टिव नहीं होता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत सुस्त था और उसे बोलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो उस बिजनेसमैन के सामने कुछ नहीं बोल पाता और ना ही उसकी बातें उसकी समझ में आती हैं। और एडी वहां से मीटिंग छोड़कर निकल जाता है। बाहर आते ही उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पर उसे ड्रग डीलर टॉम की बहन का कॉल आता है। वो एडी को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। एडी के पास ड्रग डीलर की एक डायरी भी होती है जिसमें उसके सभी कस्टमर्स के नंबर होते हैं और जब वो उस सभी कस्टमर्स को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी की मौत हो चुकी है और उनमें से कुछ कोमा में भी हैं, यानी कि जो नशा वो ले रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब वो उस ड्रग डीलर की बहन से मिलने के लिए जाता है जो कि उसकी एक्स वाइफ भी थी। वो एडी को बताती है कि मैं अपने भाई की डेथ से परेशान नहीं हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि उसके गलत कामों की वजह से उसके साथ ये कभी भी हो सकता था। वो कहती है कि असल में मैं तुम्हें ये मिलकर बताना चाहती थी कि जो तुम ड्रग ले रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक टाइम में मैंने भी ये ड्रग यूज की थी, पर इस ड्रग के यूज करने के बाद पहले तो बहुत अच्छा फील होता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स में लोग पागल हो जाते हैं। वो एडी से कहती है कि मैं अब इस ड्रग को छोड़ चुकी हूँ और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी ये ड्रग धीरे धीरे छोड़ दो, जिसके बाद एडी वहां से चला जाता है। और रास्ते में एडी को अब वो आदमी मिलता है जिसने उससे पैसे लिए थे। वो एडी को मारता है कि वो उसके पैसे वापस दे दे। तभी एडी की जेब से उसकी ड्रग नीचे गिर जाती है जिसे वो आदमी उठा लेता है और एक गोली खा लेता है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो एडी से कहता है कि अब मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये गोलियां दे दो। एडी के पास जितनी भी गोलियां होती हैं वो उस आदमी को दे देता है, बदले में वो आदमी एडी को पैसे भी देता है। इसके बाद एडी घर आ जाता है जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को सब कुछ बता देता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया और कैसे उसका दिमाग इतनी तेजी से काम करता है। वो लिंडा को बताता है कि वो ये सब कुछ एकदम से नहीं छोड़ सकता। लिंडा उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वो एडी के लिए वो ड्रग लेने के लिए जाती है। और जब वो रास्ते में होती है तो वो नोटिस करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और जैसे ही वो पीछे देखती है तो हमें पता चलता है कि ये वही आदमी था जो पहले एडी को भी फॉलो कर रहा था। अब लिंडा जल्दी से एक पार्क के अंदर जाती है जहां बहुत सारे लोग थे और वो दो लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी उन दोनों को भी मारकर गिरा देता है। लिंडा अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी और इसलिए वो एडी को कॉल करती है और एडी उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो ड्रग है उसमें से एक गोली खा लो जिससे तुम्हारा दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। लिंडा भी ऐसे ही करती है और जल्दी से वो ड्रग खा लेती है जिससे अब उसका माइंड भी बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है और वो उस आदमी से बचकर घर वापस आ जाती है जहां वो एडी से उस ड्रग के एक्सपीरियंस शेयर करती है, जिस पर एडी लिंडा से कहता है कि अब तुम इस ड्रग को कभी इस्तेमाल मत करना और मैं भी इसे जल्दी ही छोड़ दूंगा। यहां पर एडी के घर के बाहर उस आदमी के लोग आ चुके होते हैं जिससे एडी ने पैसे उधार लिए थे और जिसे एडी ने ड्रग की गोलियां दी थी। दरअसल अब वो ड्रग की और भी ज्यादा गोलियां चाहते थे। एडी अब अपने लिए दो बॉडीगार्ड्स को हायर करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। एडी एक बार फिर से वो ड्रग लेता है और दोबारा उस बिजनेसमैन से मीटिंग फिक्स करता है जहां पर मीटिंग बहुत अच्छी रहती है। एडी उससे कहता है कि पिछली बार मेरी तबीयत खराब थी। अब यहां एडी ये भी जान गया था कि इस ड्रग को लेने के बाद अगर वो प्रॉपर अपनी नींद ले, ज्यादा पानी पिए और अल्कोहल से दूर रहे तो वो जल्दी ही रिकवर कर सकता है। अब एक बार फिर से वो उसी बिजनेसमैन से मिलने जाता है जहां वो बिजनेसमैन उसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन से मिलवाता है। यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जहां पर एडी सबको इम्प्रेस कर देता है, यानी कि अब वो बहुत जल्दी ही इन बिजनेसमैन के साथ मिलकर इन्हीं का हिस्सा बनने वाला है।
एडी जब घर आता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है, यानी कि उसके घर की किसी ने तलाशी ली है। एडी अब एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जहां का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इस मूवी की शुरुआत में जब ड्रग डीलर टॉम का मर्डर हुआ था, उसी मर्डर के सिलसिले में वही पुलिस वाला आता है जो पहले केस डील कर रहा था। दरअसल पुलिस को एडी पर उस मर्डर का शक होता है। एडी अब इस केस में बचने के लिए एक बहुत बड़े लॉयर को हायर करता है जो उसे सारे चार्जेस से पूरी तरह से फ्री करवा देता है। अब यहाँ पर एडी एक बार फिर से फाइनली मीटिंग के लिए जाता है जो उसकी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सीनियर बिजनेसमैन होता है, जिसकी पिछली बार मीटिंग में थोड़ी तबीयत भी खराब थी, वो यहाँ पर नहीं आता बल्कि उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हम फाइनल डील नहीं करेंगे। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि वो फिलहाल कोमा में चला गया है। अब जब वो लेडी अपनी गाड़ी में जा रही होती है तो एडी देखता है कि उसके साथ वही आदमी होता है जो हमेशा उसका पीछा किया करता था। दरअसल ये उस बिजनेसमैन का ड्राइवर होता है। एडी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एडी अब बाथरूम में जाकर वो ड्रग लेना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि उसके पास एक भी गोली नहीं है। दरअसल उसकी गोली किसी ने चोरी कर ली होती है और ये चोरी की होती है उसके लॉयर ने, जिसने उसे केस से बाहर निकाला है। अब एडी अपने घर आता है जहां पर टीवी में न्यूज देखते हुए उसे पता चलता है कि उसके वकील ने उसे धोखा दिया है। साथ ही एडी के अपार्टमेंट में वो आदमी भी अपने लोगों के साथ आ चुका होता है जिससे एडी ने कभी पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उसे अपने पैसे वापस नहीं बल्कि उस ड्रग की गोलियां चाहिए। एडी इनका सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास गोलियां नहीं है। अगर उसके पास एक भी गोली होती तो वो उसे खाकर इनका सामना कर सकता था। और तभी उसे याद आता है कि उसने एक बॉक्स के अंदर एक गोली को रखा था और वो उस बॉक्स को ढूंढ लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो गोली को खा पाता यहां पर वो आदमी आ जाता है। एडी के हाथ से वो गोली छूट जाती है जिसे वो आदमी उठा लेता है और एडी को बताता है कि अगर इसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो नशा और भी लंबा रहता है, जिसका असर बहुत अच्छा रहता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसके बाद वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अब उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और हरकत करता एडी उसे मार देता है और उसके ब्लड को चाट देता है, जिससे उसका दिमाग एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है क्योंकि ब्लड से उसकी बॉडी के अंदर एक बार फिर से उस ड्रग का नशा जा चुका था। और उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है जिससे वो यहाँ पर सभी को मारकर इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद वो उसी ड्राइवर से मिलने जाता है जो बार बार उसका पीछा किया करता था। वो एडी को बताता है कि मेरे बॉस जो कि कोमा में थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। जो गोलियां तुम लिया करते थे वो ही गोलियां वो भी लेते थे, लेकिन अब उनके पास गोलियां नहीं बची थी इसलिए वो कोमा में चले गए। एडी उससे कहता है कि वो लॉयर तुम्हारे बॉस के लिए काम करता था, उसने मुझसे गोलियां चुराई थी तो उसने तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं दी। दरअसल लॉयर ने उसके बॉस को धोखा दिया होता है और अब एडी और ये ड्राइवर दोनों मिलकर उस वकील के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्राइवर उस लॉयर को बांध देता है और एडी उसके घर से सभी गोलियों को हासिल कर लेता है। यहां से कहानी को एक साल आगे दिखाया जाता है। यहां पर दिखाया जाता है कि एडी की बुक अब पब्लिश होकर बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। साथ ही वो सेनेटर के पद के लिए भी खड़ा होता है, जहां उसे एक आदमी आकर बताता है कि बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का ऑनर एडी से मिलना चाहता है और वो उसका इंतजार कर रहा है। जिसके पास जाने पर अब उसे पता चलता है कि ये वही बिजनेसमैन था जिसके साथ में वो पहले काम किया करता था। वो बिजनेसमैन उसे बता रहा था कि मैंने ट्रेडिंग छोड़कर अपनी एक कंपनी बना ली थी जहां हम लोग ड्रग बनाते हैं, और मैं अब उस ड्रग के बारे में भी जान गया हूं जिसके इस्तेमाल से लोगों का दिमाग बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। वो एडी से कहता है कि वही ड्रग जो तुम भी यूज किया करते थे और शायद अभी भी करते होंगे। मुझे पता है कि तुम कैसे सभी कामों को आसानी से कर लेते हो, कैसे तुम्हारा दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। दरअसल जिस गोली को तुम लेते हो उस ड्रग की पूरी कंपनी को मैंने खरीद लिया है और उस लैब को बंद करवा दिया है जिस लैब में ये गोलियां बना करती थी, यानी कि अब तुम्हें उस ड्रग की गोलियां नहीं मिलेंगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लगातार गोलियां मिलती रहें तो तुम्हें मुझसे डील करनी होगी, जिसके मुताबिक जब तुम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओगे तो तुम मेरे हर एक काम में मेरी मदद करोगे। लेकिन एडी उसके लिए उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा। दरअसल ये दोनों ही मान चुके हैं कि एडी आगे चलकर यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन अब एडी अच्छे काम करना चाहता है इसलिए वो उसकी शर्त को ठुकरा देता है, क्योंकि एडी जानता है कि वो उसके सहारे अपने काले धंधों को इस दुनिया में फैलाना चाहता है। एडी उसे बताता है कि जिन गोलियों को तुम बंद करने की बात कर रहे हो उस गोली को मैंने कब का लेना छोड़ दिया है, बल्कि मैंने अपनी लैब में
उन्हीं गोलियों को मॉडिफाइड किया था और उसके सारे साइड इफेक्ट्स को ख़त्म कर दिया था, और मैंने उसका एक एडवांस वर्जन बनाया था जिसे मैंने सिर्फ एक बार लिया था और अब उसका असर हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, और वो भी बिना किसी गोली को लिए। यहाँ पर उसका पुराना पार्टनर उसे उसकी पोल खोलने की धमकी देता है। तभी एडी उससे कहता है कि जो सामने से गाड़ी आ रही है वो आगे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी, और ठीक ऐसा ही होता है। वहाँ पर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिस पर एडी कहता है कि मैं तुमसे 100 कदम आगे हूँ, यानी कि एडी के दिमाग की शक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो वक्त से आगे भी देख सकता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर के दिल पर हाथ लगाता है और कहता है कि तुम्हें दिल की बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और अब उसे समझ में आ जाता है कि एडी के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस समय हर चीज में उससे बहुत आगे है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने जाता है, जहाँ पर एडी वेटर को चाइनीज भाषा में ऑर्डर देता है। लिंडा यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एडी ने उस ड्रग को छोड़ा है कि नहीं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।